नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। कैसे हैं आप सब लोग? वायरस जो है, कोरोना वायरस काफी फैला हुआ है, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर के अंदर ही रहिए। जब तक आप घर के अंदर रहोगे, मेरी वीडियो देखते रहो ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे एक बात और कहनी है कि मेरा एक और चैनल ब्यूटी से रिलेटेड है, वीना कालरा किटी ब्यूटी पार्लर। आप प्लीज उसको भी जो है अपलोड करके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक देखने का शौक है, वो इसका बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। काफी यूजफुल चैनल है और उसमें मैंने ब्यूटी से रिलेटेड हर टॉपिक को टच किया है। और ये जो मेरा चैनल है बातों बातों में, ये तो बहुत ही हल्का फुल्का लाइट सा मतलब कंटेंट लिया है, जिसमें हम आपसे गपशप मारते हैं और कभी कभी कुछ ना कुछ जैसे सीखने को भी मिल जाता है। तो आज बातों बातों में मैं जिस टॉपिक का जिक्र करूंगी, आग। ये कैसा भयंकर शब्द बोल दिया, आग। आग कौन सी ज्यादा ज्वलंत होती है, कभी आपने सोचा है? आग, आपने आग देखी होगी, दीपक की रोशनी में भी आग है, मोमबत्ती की रोशनी में भी आग है, जो हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं उसमें भी आग है। किसी आग में हमारी श्रद्धा का प्रतीक होता है, किसी आग में हमारी आस्था छुपी होती है, किसी आग में हमारी खुशी होती है। अब आग में कैसे खुशी होती है, जैसे बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जो हम कैंडल जलाते हैं वो भी तो आग है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चों के मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे कैंडल जो है जलती है, ऐसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का जीवन भी जो है वो प्रकाशवान रहे, वो भी आग की तरह एकदम ज्वलंत रहे। मतलब बच्चे का जो फ्यूचर है या बच्चे की लाइफ है, चमकती रहे। कहते हैं कि नहीं, लोहड़ी, लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं लोग, लोहड़ी जलाते हैं, तो उसमें भी देखो आग जलाते हैं, तो वो भी क्या है, एक जैसे हमारे संस्कार का प्रतीक है। एक पेट की आग होती है, पेट की आग होती है, अभी पेट की आग को बुझाने के लिए ही इंसान जो है दिन रात मरता रहता है। अगर इस पेट को भूख ना लगे ना, तो इंसान कमाना छोड़ दे। तो ये भी एक आग का सिंबल है ना। एक आपको सर्दी लगती है, आप आग अपना जला के बैठ जाते हो, अपने आप को ऊष्मा देने के लिए, अपने आप को गर्मी देने के लिए, है। एक कुदरती आग है, हमारे सूरज देवता, सूर्य देवता है, अगर वो जिस दिन ना निकले तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी जो है बड़ी ठंडी सी हो गई है। तो कुदरत ने भी देखो हमें अगर गर्मी दी है, तो उससे कितना हमारा शरीर जो है वो चलता है। एक हमारे अपने शरीर की अग्नि होती है, अगर हमारा शरीर ठंडा है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं है, तो भी हम जीवित नहीं रह सकते, तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो कितनी तरह की, एक मन की आग होती है, जेलस जिसको कहते हैं ना, जेलस, किसी को आगे बढ़ता देख के हमें बड़ी जेलस होती है, उसमें हम जलते हैं। कहते हैं जलो मत रीस करो, यानी कि अपने मन को आप जलाओ मत, आप दूसरों से रीस करो। रीस करो यानी कि आप उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक बहुत दुखदाई आग होती है, जिसमें हमारा कोई अपना बिछुड़ जाता है, तो उसको हम अग्नि, जैसे कहते हैं ना, अग्नि में जलकर भस्म नहीं होते, पवित्र हो जाते हैं। उस आग के पास खड़े होकर हमें बहुत दुख होता है और हम जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो आग के कितने रूप हैं। एक आग और मनुष्य के मन में होनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो मन की जो आग है, उसको हमें हमेशा जला के रखना चाहिए। इस मन की आग से ही हम अपने रिश्ते नाते निभाते हैं, हम अपने संस्कारों का पालन करते हैं, हम ईश्वर से प्राप्ति करते हैं। हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। ये आग जो है असल आग होती है, ये आग दिखती नहीं है, ये आग दिखती नहीं है, इसको हमने अपने मन में हमेशा जला के रखना है। इस आग से हम आगे बढ़ सकते हैं, सारी जिंदगी जब तक हम जीवित हैं इस आग की हमें जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मेरे मन में भी एक आग है कि मैं आपके साथ जो है बातें करूं।
कि आग क्या, आग जो होती है एक लगन होती है, इस लगन को हमेशा हमें जिंदा रखना है, किसी से मिलने की लगन, आगे बढ़ने की लगन, प्रभु प्राप्ति की लगन, इसको जिंदा रखो। इस आग ने जिस दिन दम तोड़ दिया उस दिन आप खुद भी स्वाहा हो जाओगे। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, प्लीज मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखो तो आपको लगेगा कि वाकई ये सच बात है। उम्मीद करती हूँ आप जरूर पसंद करोगे। बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक भी करो, अपने कमेंट्स भी दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर छोड़ेंगी। थैंक यू। बाय बाय।